लाडले जमातियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप पढ़ांगे जमात दसवीं भाग दूजा निबंध विच्चों अखीरला ते छठा निबंध भाई मरदाना जी, जिस दे लखारी हन हरप्रीत कौर। आपां नू कहानी अते निबंध दे सारे लखारियां दे नाम भी याद होने चाहिए है, क्योंकि छोटे प्रश्नों के विचों एक परसन पार दा लिखारी या लिखारी ने केड़ा निबंध जा कहानी लिखे है, ये जरूर पूछा जाता है। तुसी वेख रहे हो पंजाबी टीचर राजस्थान, कुलदीप सिंह, राजस्थान बोर्ड दे पंजाबी विषय दा पहला यूट्यूब चैनल। आओ शुरू करिए। सब तो पहला लेखक परिचय। हरप्रीत कौर दा जन्म 20 अगस्त 1964 नू नीलोखेड़ी हरियाणा विखे पिता प्रेम सिंह अते माता मनमोहन कौर दे घर होया। हरप्रीत कौर ने मैट्रिक दी पढ़ाई आनंदपुर साहब तो प्राप्त कीती, बीए फिर एमए और फिर फिलहाल दी घड़ी विच पीएचडी कर रहे हैं। और इस्त्री दिवस ते 2016 नू बीएड कॉलेज अबोर दी तरफों भी सम्मानित होए ने। उन्हां दा पाठ अपने सिलेबस शामिल किया गया है। भाई मरदाना जी, भाई मरदाना एक अजिहा महापुरुष है जिसनों जीवन पर गुरु नानक देव जी की निकटता प्राप्त हुई। विद्वान बाणीकार भाई गुरदास जी ने जिथे गुरु नानक देव जी नू अकाल रूप का दर्जा दिता है, उत्थे दूसरे स्थान पर भाई मरदाना जी नू रख्या है। उन्हां दी रूहानी महानता की वड्याई कीती है। वो अपनी पहली वार विच लिखते हैं, एक बाबा अकाल मूरत, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। बाबे नू अकाल रूप की संज्ञा दित्ती है ते दूजे थां ते रबाबी मरदाना जी नू रख्या है। परमात्मा नाल इकमिक शख्सियत गुरु नानक देव जी नाल कीर्तन करदिआं भाई मरदाना जी रबाब बजाया करते सन। ते आपां फोटो च भी देखिआ है जिहड़ा अपना थंबनेल लग्गिआ होइआ, गुरु नानक देव जी दे नाल बैठे हुए ने और रबाब बजा रहे ने। बहुत ही सोहनी रबाब मरदाना जी बजाया करते सन। भाई मरदाना जी के जीवन बारे इतिहास विच बहुत कुछ लिखिया होया नहीं मिलता, परंतु फिर भी कुछ विद्वानों ने उन्होंने जीवन बारे प्रमाणिक समगरी पेश करन दा यतन किया है। भाई मरदाना जी का जन्म 1469 ईस्वी में राय भोए की तलवंडी जिला शेखपुरा विखे होया। आप जी की माता का नाम बीबी लखो ते पिता जी का नाम बादर जी सी, जो जात दे मरासी सन। आप जी अपने माता पिता की 7वीं संतान सन, पर पहले 6 बच्चे पैदा होके मर गए सन। कुछ विद्वानों ने इतिहास विच लिखिया है कि इसी करके आप जी का नाम मर जाना है, क्योंकि उन्होंने माँ प्यो दे जैवी बच्चा होंदा सी मर जांदा सी, बच्चा होंदा सी मर जांदा सी। ते कुछ विद्वानों का आखना है कि इस कारण उन्होंने नाम मर जाना पिया। और कुछ विद्वान ये आखते हैं कि गुरु नानक साहब ने उन्होंने मरदाना नाम दित्या। पहला उनका नाम दाना सी, परंतु जो गुरु नानक साहब नाल मिले तो गुरु नानक बाबा जी ने नाम रखता मरदाना, मरदा नहीं मरदाना। भाई मरदाना जी अते गुरु नानक देव जी एक पिंड दे होण करके बचपन तो ही एक दूजे दे मित्र सन। भाई मरदाना जी मुसलमान सन ते भाई मरदाना जी मुसलमान मरासियां दी रबाबी भाईचारक श्रेणी नाल संबंधित होण करके रबाब बजाउण दे चंगे मार सन। एक कला उन्हां नू परिवारिक विरासत विच्चों मिली सी। गुरु नानक देव जी भी रागां दे चंगे जाणकार सन ते भाई मरदाना जी भी रागां दे रबाब दे कीर्तन दे चंगे जाणकार सी। इस कारण दोनों दी जोड़ी बन गई। होर मरदाना जी भी श्री गुरु नानक साहिब दे प्रशंसक बन गए। राग संगीत अते वादन कला विचली सांझ दोहां विच प्रेम ते दोस्ती दा कारण सी। दोहां नूं ही राग दा संगीत दा वादन दा बहुत ज़्यादा आनंद माणिया करते, बहुत ज़्यादा प्रेम से इस कला के नाल। इस कारण जल्दी ही रचमच गए, प्रेम ते दोस्ती वध गई। भाई मरदाना जी ने ग्रस्त जीवन बारे भी कोई बहुत ही प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु यह स्पष्ट है
कि मरदाना जी शादीशुदा सन। ये शादी कदों ते किस नाल होई इस बारे बहुत ही जानकारी प्राप्त नहीं। भाई मरदाना जी की संतान बारे जन्म साखियां विच्चों पता लगता है कि उन्हां दा एक पुत्र सी जिंदा नाम सी शहजाद, जिसनों कई विद्वान शहजादा भी लिखते हैं। इतिहास भी जिक्र आता है कि भाई मरदाना जी का यही पुत्र गुरु नानक जी तो बाद दूजे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के दरबार में कीर्तन करता सी। गुरु नानक देव जी ने सुल्तानपुर लोधी विखे मोदीखाने की नौकरी त्याग दी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का मकसद तो लोगों की भलाई करना सी। उन्होंने नौकरी छड़ के लोग भलाई के कार्य लग गए, उदासियां शुरू कीतियां लोगों में जागृति लाने लई। इस समय तलवंडी साबों तो गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू ने भाई मरदाना जी को सुल्तानपुर लोधी भेजिया ताकि वह गुरु नानक देव जी बारे खबरसार लैके आओ। जो भाई मरदाना जी गुरु नानक देव जी को पहुँचे तो उन्होंने महान शख्सियत तो प्रभावित होए बगैर नहीं रह सके, उन्होंने ही समर्पित हो गए सदा लई। गुरु नानक देव जी ने अपने मिशन की पूर्ति नाल अपनी सेवावां देण लई सहमत हो गए। मरदाना जी ने कहा, मैं भी तुहाडे नाल इस मिशन ते सेवावां देण लई सहमत है। होर दोनों ही तुर पे दुनिया नूं सोधण वास्ते। जदों गुरु नानक देव जी तुरकी बाणी का कीर्तन करदे तां भाई मरदाना जी रबाब ते उन्हां दा साथ देंदे अते आला दुआले एक रूहानी वातावरण सिरजिया जांदा। गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना जी नूं इह स्पष्ट रूप विच कह दिता सी कि उन्हां दी जिंदगी दा मकसद लुकाई नूं सही रस्ता दिखाउणा है, लोक भलाई करना है, अते इस मकसद लई उन्हां नूं अपना घर बार छड्डणा पवेगा। अजिहा करदिआं उन्हां नूं भुख प्यास दा वी सामना करना पवेगा, क्योंकि उन्होंने उत्थों करतारपुर जाना है अते फिर चारे दिशावां विच जाके लोकां नूं जीवन दा उपदेश समझाउणा है। बाबा जी ने पहला ही कहता सी मरदाना जी नूं पे मेरे जीवन दा मकसद पूरी दुनिया विच सच्चाई दा प्रकाश करना है, सच्चाई फैलाना है, उपदेश करना है, जीवन सवारना है दुनिया दा। जेकर ओ पारिवारिक मौत त्यागे अगले जीवन दे मुश्किलां भरे पेंडे नूं तय करन लई तैयार है ता ओ उन्हां दे नाल चल सकदा है। और भाई मरदाना जी इक्को ही आवाज़ दे विच उन्होंने हाँ कर दिती, ओ बिल्कुल सहमत हो गए और मिशन नूं समर्पित कर दिता, मिशन लई अपने आप नूं समर्पित कर दिता। इस प्रकार भाई मरदाना जी दी कल्याणकारी सोच ने मुश्किल रस्ते नूं चुनिया, परिवारक मोह नूं लांभे कर दिता, गुरु जी दे नाल तुर पे। यात्रा करद्या भाई मरदाना जी कई बार बच्चियां वांग जिद करते, बहुत सारे प्रश्न गुरु जी नूं पुछदे, तां गुरु जी हर गल का जवाब निम्रता नाल दिंदे अते उन्हां नूं प्यार नाल समझाउंदे। भाई मरदाना जी क्योंकि सादा पवित्र ते मिलनसार शख्सियत दे मालक सन, इस लई जल्दी ही गुरु नानक देव जी दे हर तर्क नाल सहमत हो जांदे। भाई मरदाना जी दे सुभाव विच गुरु जी दी संगत नाल बेअंत गुणा अते चंगियाईयां दा आ जाणा सुभाविक सी। गुरु जी अलौकिक शक्तियां दे मालक अते लोक प्रकलोक दे जाणू सन, इह गल दा अहसास भाई मरदाना जी नूं वी हो गया सी। इस करके ओह गुरु जी दे हर हुक्म दी पालना अते उहनां दा अथाह सत्कार करदे सन। गुरु जी ने भी उहनां नूं अपने तो कदी वख ना कीता, गुरु जी भी उहनूं बहुत प्यार करदे सन। भाई मरदाना जी दे देहांत बारे भी कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर महान विद्वान भाई कान सिंह नाभा जिन्हां ने महान कोश की रचना की है उन्होंने अनुसार आप का देहांत 1591 ईस्वी में अफगानिस्तान के दरिया कुरम किनारे होया। यह भी कहा जाता है कि गुरु जी ने भाई मरदाना जी के अंतम संस्कार समय अपने मोढ़िया ते अपने मोढ़िया तो चादर उतार के उन्होंने शरीर उपर पाई अते अपने हाथी अंतम संस्कार किया। इस तो बाद यात्रा विचकार छड़ के गुरु जी वापस राय भोज की तलवंडी वल चले आए, परंतु कुछ विद्वान इस विचार नाल सहमत नहीं, क्योंकि उन्हां अनुसार 1591 ईस्वी में गुरु नानक देव जी करतारपुर सन। दूजे पासे कुछ इतिहासकारां ने भाई मरदाना जी का देहांत करतारपुर विखे गुरु नानक देव जी के दे ज्योति जोत
समाउण तो 8 दिन बाद दस्या। मतलब अलग अलग विद्वान है जेड़े इस बारे अलग अलग राय रखते हैं। कई राय आ रखते हैं कि गुरु नानक देव जी तो पहला उन्हों का अकाल चलाना वो कर गए सी और गुरु नानक देव जी ने आप उन्हों का अंतम संस्कार किया। और कई इतिहासकार आ मनते हैं कि गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत समाण तो बाद 8 दिन बाद भाई मरदाना जी ने अकाल चलाना किया, यह दुनिया छड़ी। कुछ साखीकारा मुताबक गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना उन्हां दी अंतिम घड़ी बारे पहला ही दसदिया उन्हां दा सीस अपनी गोद ते रख लिया ते पुछया, भाई मरदाना ओ समा आउण वाला है जदों तुसी साडे कोलों चले जाना है, तुसी दसो शरीर नूं दफनांदिया जां अगन भेट करिए। तां कई विद्वान इह कहिंदे आ कि जदों भाई मरदाना जी का अंतम समा नेड़े आया तो गुरु नानक देव जी ने उन्होंने अपनी गोद च बिठा लिया, उन्हां दी सहरा जिहड़ा वो अपनी गोद च रख के, भाई मरदाना जी तुहाडा जिहड़ा समा है वह नेड़े आ रहा है, तुहानू दफनाया जाए या अगन भेट की जाए या कोई यादगार बना दिए, कोई मंदिर धर्मशाला बना दिए। पर भाई मरदाना जी ने जवाब दिता, नहीं, मैं इस हड मास दे बने शरीर की कैद विचों कढ के हुण मैनू इट्टां चूने की कैद विच तुसी मैनू नहीं पाओ, ना पाओ, मैं एक कैद विचों दूजी कैद विच नहीं जाना चाहता। गुरु जी ने कहा, तुसी अखीर तक प्रीत नूं निभाया है, जो मंगना चाहते हो मंग लो। भाई मरदाना जी ने बेनती की, तुसी खुदा दे डूम हो ते मैं तुहाडा डूम हाँ, तुसी खुदा नूं देखिया है पाया है अते मैं तुहानू जिवें तुसी मैनू इस दुनिया विच अपने नाल रखिया है मौत तो बाद भी अपने नाल रखियो। गुरु जी अगे बेनती की कि जिवें इस दुनिया विच तुसी मैनू नाल रखे है एवें ही उस दुनिया विच परलोक विच भी तुसी मैनू अपने नाल रखियो। अगे गुरु जी ने कहा, जिथे तेरा वासा उत्थे ही मेरा वासा। अंतम रस्मां निभाउण तो बाद गुरु जी वापस पिंड पहुँचे तो भाई मरदाना जी के पुत्र शाहजाद ने अपने अबू बारे पुछया। गुरु जी ने दसिया कि वह उन्हां कोलों विदा हो गए हैं ते अपने असल घर चले गए ने। शाहजाद ने गुरु जी तो आशीर्वाद मंगया ते बेनती की कि जो दात तुसा अबू नूं दित्ती सी वह दात मैनू बख्शो। यह सुन के गुरु जी ने उस नूं गल वखड़ी विच लै के बेअंत आसीशां दित्तियां। इस तो बाद जिन्ना चिर गुरु जी शरीरिक जामे विच रहे उन्ना चिर भाई शाहजाद ने कदी उन्हां दा साथ नहीं छड्डिया। भाई मरदाना जी अंतिम वेले दी बेनती कबूल होई, वह कीर्तन परंपरा के रूप विच गुरु घर नाल जुड़े हुए सन। उन्हां दा त्याग भरिया निष्काम जीवन अज भी समाज विच मनुख दा प्रेरणा स्रोत बनिया होया है। हुण आपां करदे हां अभ्यास। पहला अभ्यास प्रश्न, भाई मरदाना जी का जन्म कदों ते कित्थे होया, उन्हां दे माता पिता का नाम दसो। तो भाई मरदाना जी का जन्म 1469 ईस्वी नूं राय भोए की तलवंडी जिला शेखपुरा पाकिस्तान विच होया। उन्हां दी माता का नाम बीबी लखो ते पिता का नाम बहादुर जी सी। दूजा, भाई मरदाना जी दा नाम मरदाना किवें पिया, जिवें कि तुहानू पाठ विच भी दस्या होया कि उन्हां दे माँ प्यो ते उन्हां तों पहलां भी 6 संतानां होईयां सी परंतु बचियां नहीं। तो इस बारे विद्वानां दी वख वख राय है। कुछ विद्वान तां आखदे ने उन्हां दा नाम मरजाना सी ते कुछ विद्वान आखदे ने कि उन्हें बचपन दा नाम दाना सी, परंतु गुरु नानक साहब तों मिलण तों बाद उन्हां दा नाम पै गया मरदाना, वह बन गए दाना तो मरदाना। प्रश्न 3, भाई मरदाना जी नूं गुरु नानक देव जी अपने नाल क्यों रखते सन। तो इनका उत्तर है कि पहली गल तो वह दोनों एक ही पिंड दे सीगे, बचपन तो ही एक दूजे के मित्र सन। और दूजा, गुरु नानक देव जी नूं भी रागा दे चंगे जानकर सी ते चंगे कीर्तनीय सी। और मरदाना भी कीर्तन दा राग दा
और रबाब दा संगीत दा चंगा जानकार सी। इसे सांझ करके वह दोवें इकट्ठे रहिंदे सन। अगला प्रश्न, भाई मरदाना जी दे पुत्तर नूं गुरु जी ने की आशीर्वाद दिता? तो ये भी आपां पढ़िए अखीरली सत्रां दे विच कि मरदाना जी दे पुत्तर शहजाद ने गुरु जी तो आशीर्वाद मंगया कि जो दात तुसा अबू नूं दित्ती ਉਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਖੜੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਜਾਦ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।